देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3-ply का ऊन यूज़ किया है। आप कोई सा भी ऊन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइट और ग्रीन कलर का ऊन यूज किया है। चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें मुश्किल से 50 से 55 ग्राम की ऊन लगेगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने 9 नंबर की सिलाई ली है। 9 नंबर की सिलाई लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 रंग का ऊन लिया हुआ है। 3-ply का ऊन है, व्हाइट और ग्रीन। देखिए 3 धागों वाला ये ऊन है। देखिए 1, 2, 3, दोनों ही 3-ply का ऊन है। और 9 नंबर की हमने यहाँ पे सिलाई यूज किया है। और इस कैप को बनाने के लिए फ्रेंड्स 50 से 55 ग्राम सिर्फ ऊन लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं। नॉर्मल जैसे हम फंदे डालते हैं वैसे ही आपने फंदे डालने हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए 40 फंदे व्हाइट कलर से डाले हुए हैं। अब क्या करना है, सभी फंदे को हमने सीधे साइड से सीधा सीधा बनाना है। फंदे डालने के बाद हमने इसको यहाँ पे नॉट लगा दी। अब सभी फंदे को हम सीधे की साइड से सीधा सीधा बनाएंगे। पहली रो है तो थोड़ा ये टाइट होगा फंदा। ये देखिए सभी फंदे को चलिए हम आगे की साइड से सीधा सीधा बना लेते हैं ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, हम ये एक सिलाई बना के पीछे की साइड आ गए हैं। तो पीछे की साइड से हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 फंदे का एक करना है। ये देखिए 2 फंदे को हम एक साथ बनाएंगे। पीछे की साइड से सभी फंदे को हमने उल्टा उल्टा बनाना है। यहाँ पे हमने 1 फंदे घटा लिए, 2 का 1 कर लिया। अब चलिए सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाकर आगे की साइड आते हैं। देखिए हम आगे की साइड आ गए हैं। तो आगे की साइड से हमने 1 फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि हमने पीछे साइड 1 फंदे कम किए थे। तो ये देखिए 1 फंदा हमने ऐसे बना लेना है। ऊन को अपनी साइड करेंगे और यहाँ पे 1 फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 जाली हमारी बन गई। तो 1 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। ठीक, उस साइड से 1 फंदा घटा तो इस साइड से 1 फंदा बढ़ गया। बाकी के फंदे को हम सभी फंदे को सीधा सीधा बना लेते हैं। आगे की साइड से हमेशा आपने ये सीधा सीधा बनाना है, पीछे की साइड से उल्टा उल्टा। ठीक है, तो अब चलिए हम ये आगे की जो सिलाई है इसको सीधा सीधा बनाते हैं। देखिए पीछे की साइड आ गया। तो पीछे की साइड से अभी हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ सारे फंदे को उल्टा उल्टा बनाना है। ठीक है, अभी इस सिलाई में हमने फंदे को नहीं घटाना है। सभी फंदे को सिर्फ उल्टा उल्टा बना के फिर हम आगे की साइड आएंगे। तो उधर के साइड से हमने फंदे को घटाना बढ़ाना है। ठीक है, चलिए इसको हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड आ गए हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इधर 1 फंदे इस साइड हम बढ़ाएंगे, उनको अपनी साइड 1 जाली से हमारा 1 फंदा बढ़ गया। आप अपने हिसाब से भी फंदे बढ़ा सकते हैं, यानी जिस मेथड से आप बढ़ाते हैं फंदे। अब देखिए इधर हमारा 1 फंदा बढ़ गया। ठीक है, अब पीछे की साइड से हमारा 1 फंदा घट जाएगा। अब सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। चलिए सभी फंदे को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 2 फंदे का एक कर देंगे। देखिए दोनों फंदे को हम एक साथ बना देंगे। पीछे की साइड से हम 2 का 1 कर रहे हैं और बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई हमने सिंपल बनाना है और एक सिलाई में हमने फंदे को घटाना बढ़ाना है, बस यही आपने याद रखना है। सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। अब हम आगे की साइड आ गए हैं। तो सभी फंदे को हमने सीधा सीधा बनाना है। अभी कोई भी फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाना नहीं क्योंकि इसके पहले हमने बढ़ा लिया था, लास्ट में घटाया।
अब सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। चलिए हम सीधा सीधा बना लेते हैं। अब देखिए हमने ये पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया है और पीछे की साइड से ही हमने सेकंड कलर जोड़ा है, ठीक है, क्योंकि पीछे की साइड से हमने ये फंदे को, अरे सॉरी, ग्रीन कलर को जोड़ लिया है। यहाँ पे हमने कोई भी फंदा अभी घटाया बढ़ाया नहीं है पीछे की साइड से। अब हम देखिए इस फंदे में यहाँ पे फंदे को बढ़ाएंगे। एक फंदा हमने सीधा बुना, ऊन को अपनी साइड, देखिए एक जाली बन, आप देखिए ऊन को अपनी साइड करके सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम आठ आठ सलाइयाँ बना रहे हैं, तो यहाँ पे अब ये ग्रीन वाला हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, ठीक, गार्टर स्टिच। चलिए लास्ट तक हम इसको बनाते हैं उल्टा उल्टा। अब हम पीछे की साइड आ गए, तो पीछे की साइड से हमने फंदे को दो का एक कर लेना है, क्योंकि आगे की साइड से हमने फंदे को बढ़ाया, पीछे की साइड से एक फंदे हमारे घट जाएंगे, बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। आगे की साइड से अब हमें अभी कोई फंदे बढ़ाने नहीं है, सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करते हैं ये सिलाई, उसके बाद पीछे की साइड से भी सिलाई, फिर हम आगे की साइड आएंगे तो एक फंदे बढ़ाएंगे, पीछे की साइड से घटाएंगे। तो ऐसे ही ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी एक सिलाई में बढ़ेगा फंदे और घटेगा भी, एक सिलाई आपने उल्टे सीधे से नॉर्मल बनाना है। तो ऐसे ही चलिए इसको भी हम आठ सिलाई बना लेते हैं, उसके बाद वाइट से ऐसे ही हमने इसको बना के कंप्लीट करना है। तो देखिए ये हमारा एक साइड से फंदे ऐसे बढ़ रहा है और एक साइड से ये देखिए ऐसे घट रहा है। चलिए हम इसको बना लेते हैं थोड़ा सा, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी पट्टी हमने इतनी बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो देखिए कितना इजी है, जैसे हमने बताया था सेम वैसे ही करना है। एक सिलाई आपने नॉर्मल बनाना है और एक सिलाई के अंदर उल्टे साइड से एक फंदा घटाना है, सीधे साइड से एक फंदे बढ़ाने हैं, बस ऐसे ही। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा। तो देखिए हम ग्रीन वाला एक दो तीन चार पाँच छः पट्टी हमने ग्रीन की बनाई है, एक दो तीन चार पाँच छः वाइट की रखी हुई है। दोनों हमने देखिए आठ आठ सिलाइयों की बनाई हुई है, आठ सिलाई ग्रीन की, फिर आठ वाइट की, आठ ग्रीन आठ वाइट, ऐसे करके मैंने ये पूरा बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फंदे उठाने की, ठीक है, फंदे हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे, मतलब हमने ये नीचे की साइड का फंदा बॉर्डर के लिए उठाना है। तो हम ग्रीन कलर से यहाँ पे फंदे उठाएंगे, तो चलिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर से फंदे उठाएंगे। आप चाहे वाइट भी फंदे नीचे मतलब बॉर्डर के लिए रख सकते हैं। तो एक चीज़ और, ये जो पार्ट हमारा है जहाँ से हमने ये ऊन को चेंज किया है, ये हमारा ऊपर की साइड रहेगा और ये जो नॉर्मल है ये हमारा नीचे की साइड बॉर्डर के लिए रहेगा। तो यहाँ पे हम देखिए ग्रीन कलर से फंदे उठाएंगे, बहुत ईजी है, एक नॉर्मल पट्टी से आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ग्रीन कलर से फंदे उठाएंगे, एक मैजिक लूप लेना है फंदे के लिए। देखिए हमने यहाँ पे एक मैजिक लूप बना लिया, ये देखिए। हमने यहाँ पे सभी चैन से एक एक फंदे लेने, कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि फंदे हमने यहाँ पे 80 से 85 फंदे उठाने हैं टोटल, तो इसलिए आपने सभी चैन से फंदे लेने हैं, क्योंकि ये तब टाइट नहीं होगा नीचे से कि बॉर्डर टाइट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सभी चैन से आपने फंदे लेने हैं। ध्यान से देखिए आप लोग,
ये देखिए फ्रेंड्स, हम सभी चैन से एक एक करके ये फंदे उठाने हैं। ये देखिए, तो चलिए हम यहाँ तक उठा लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। देखिए हमने यहाँ पे टोटल 80 फंदे उठा लिए हैं। आप 80 से 82 फंदे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे टोटल 80 फंदे उठा लिए हैं। अब क्या करना है, आप यहाँ पे बॉर्डर अपने हिसाब से ले सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। एक उल्टे एक सीधे के भी बना सकते हैं, या तो आपने ऐसे उल्टे उल्टे बनानी। तो यहाँ पे बॉर्डर मैं देखिए 4 अंगुल का बनाऊंगी, 4 या 3 अंगुल का, 4 तो बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 से 12 लाइन की हमने दोनों साइड से उल्टी उल्टी बना के बॉर्डर कंप्लीट करना है। जैसे ये मैंने बनाया, दोनों साइड से उल्टा उल्टा। आप अपने हिसाब से बॉर्डर रख सकते हैं, लेकिन इसमें उल्टा उल्टा बॉर्डर बहुत अच्छा लगेगा और जल्दी भी बनेगा। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बॉर्डर बना के फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 10 से 12 सिलाई की ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर ली है। 2 अंगुल का हमने बोला था आप लोगों को, तो यहाँ पे हमने ये बॉर्डर दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया। अब इसकी हमने सिलाई करनी है। तो देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पे सुई में धागे को डाल लिया है। पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, हमने पहले यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे। दोनों कलर में से कोई सा भी कलर लेके आप उनका सिल सकते हैं, या तो वाइट ले या तो ग्रीन। ठीक, चलिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर लगाए हुए हैं। इतनी सिलाई यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, फिर ऊपर का बताएंगे कि कैसे सिलना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये साइड का सिल दिया है, अब ऊपर का सिलना है। तो ऊपर के लिए देखिए हमने कैसे सिलना है। आपने ऐसे ये दोनों पार्ट को खोल लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे एक पार्ट से लेके छोटे छोटे ऐसे ध्यान से देखिए टाके लगाते हुए हमने ये सिलाई करनी है। देखिए हम लास्ट तक आ गए। इसको आपने ऐसे टाइट खींच लेना है। टाइट खींचने के बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2 से 3 बार सेंटर से ले जाके देखिए यहाँ पे लॉक करेंगे। अच्छे से हम यहाँ पे इसको टक कर देंगे। धागे को हमने यहाँ पे तोड़ लिया, अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए, सीधा करने के बाद एक्स्ट्रा धागा जो रहेगा उसको हम बाद में कट कर लेंगे। ये अगर आपको लगे कि बड़ा है तो इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आप लोग को लगे फ्रेंड्स कि इसकी लंबाई, अगर आप लोग को लगे कि इसकी लंबाई ये ऊपर की बड़ी है, तो इसको आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतनी खूबसूरत बनी है ये कैप। तो ये कैप 1 से लेके 2 साल के लिए
आप आराम से इसको बना सकते हैं। कितनी खूबसूरत है, कितनी जल्दी बनता है। और आप चाहें तो यहाँ पे एक पॉम्पॉम लगा सकते हैं, ये देखिए। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।